वंदे मातरम। आज हम हिंदी पढ़ेंगे, पार्ट एक, चैप्टर वन, अ, बिना मात्र के शब्द। जैसे कि शब्द बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्वर और व्यंजन की जरूरत। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कौन सा चित्र है? बस। तो इसे हम शब्द कैसे बनाएंगे? तो ब प्लस स इज इक्वल टू, अब इसे हम साथ में पढ़ेंगे, ब स बस। दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, फल, फ प्लस ल इज इक्वल टू फल। रथ, र प्लस थ इज इक्वल टू रथ। इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब तीन वर्ण वाले शब्द हम देखेंगे, क प्लस ल प्लस म इज इक्वल टू कम कलम, ब प्लस त प्लस ख इज इक्वल टू बतख, क प्लस ल प्लस स इज इक्वल टू कलस। इसी हिसाब से हम चार वर्ण वाले शब्द देखेंगे, अ प्लस द प्लस र प्लस क इज इक्वल टू, अब इसे हम साथ में पढ़ेंगे, अदरक, थ प्लस र प्लस म प्लस स इज इक्वल टू थर्मस। इसी हिसाब से आपको वर्ण को जोड़ जोड़ कर शब्द पढ़ना, बोल बोल कर पढ़िए। अब आपको यह शब्द को या वर्ण को जोड़ जोड़ कर पढ़ना है, घर, घर, जल, छत, उड़, थन, हम, मटर, टहल, पलक, झलक, चमक, टहल, कटहल, अचकन, पनघट, सर्कस, दशरथ, टमटम। इसी हिसाब से आपको बोल बोल कर पढ़ना है और आपकी नोटबुक में आपको इसे लिखना है। वंदे मातरम।